वैशारणी की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह अमृत पान करा रहे हैं। सौनक जी ने प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है, पुंसा में कांत श्रेय तन्नः संसितो अर्हति। महाराज कृपा करके ये बताइए कि घोर कलिकाल में लोगों की बुद्धि और भाग्य सब मंद पड़ गए हैं, ऐसे मंद भागी और मंद बुद्धि प्राणियों का कलयुग में कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न, हमारे धर्म शास्त्र बहुत सारे हैं, इन सभी शास्त्रों का सार क्या है वो संक्षेप में बता दीजिए। तीसरा प्रश्न, भगवान के संकल्प से संसार बन जाता है और वक्र भ्रकुटी से प्रलय हो जाता है, तो फिर भगवान को बार बार अवतार लेके क्यों आना पड़ता है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न, अवतार लिए तो कितने अवतार हुए भगवान के, आजकल कलयुग में नए नए भगवान आए दिन पैदा होते जा रहे हैं। हम लोगों को न जाने कैसा स्वभाव बन गया, आजकल भगवान भी हमको नए नवीले चाहिए। नए नवीले का मतलब ये नहीं भगवान कभी पुराने होते नहीं। हमारे ठाकुर जी की कभी दाढ़ी मूछें देखी हैं आपने? नहीं। दिने दिने नवम नवम। हमारे श्री राम और कृष्ण तो नित्य नवीन हैं, वो कभी बुढ़े ही होते ही नहीं, पर फिर भी लोग आजकल नए नए भगवान खोजते रहते हैं। भगवान भी नया चाहिए, इसलिए जरा इन प्रपंचों से, इन नाटकों से भी बचने का प्रयास करो। पता चला कि कल की भगवान के घर में ही नोटों की गड्डियां पकड़ी गई, अब उनके उपासकों पर क्या बीतेगी जब वो जेल की हवा खाएंगे। तो इसलिए जरा भगवान भी हमारे यहाँ हर कोई, हमारे यहाँ हर चीज की परिभाषा है। भगवान किससे कहा जाए, महात्मा किससे कहा जाए, संत की परिभाषा क्या है, इन परिभाषाओं को समझ करके परखो, उस परिभाषा में जो खरा उतरे उसे स्वीकार करो। केवल रामचरित मानस, इस पर जोर इसलिए है क्योंकि हिंदी में है, हम लोग आजकल संस्कृत तो रहे नहीं, संस्कृत से दूर भाग गए, तो कम से कम हिंदी को तो ठीक से पकड़ के रखें। और रामचरित मानस को ही यदि आपने पकड़ के रखा है तो कोई प्रपंची पाखंडी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास एक कसौटी है, इसलिए तुरंत समझ में आएगा कि यह पीतल है कि सोना है। पर जब कोई कसौटी नहीं होगी हाथ में, तो आप पीतल को ही सोना मान करके मुक्त होते रह जाओगे और समाज में बार बार धोखा खाओगे। इसलिए किसी एक ग्रंथ का आश्रय लो, ताकि आप स्वविवेक से निर्णय कर सको कि सच्चाई क्या है, धर्म क्या है, पाखंड क्या है। आपके पास आंख होगी तो आपको अपनी लाठी किसी और को नहीं पकड़ानी पड़ेगी, आप खुद स्वविवेक से समझ सके। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान यदि अवतार लेते हैं तो कितने अवतार लिए और किस किस अवतार में क्या क्या लीला की, उनके चरित्रों का गान कीजिए। और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान धर्म की स्थापना के बाद अंतरहित हो जब हो जाते हैं, तो फिर धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न, किम श्रेय, जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सार कह, शास्त्रों का सार क्या है। चौथा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, अवतार क्यों लिया। चौथा, कितने अवतार लिए। पांचवा, किस अवतार में क्या लीला किए। छठवा, धर्म किसकी शरण में गया। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महात्माओं, लोक मंगल की भावना से तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, हम तुम्हें इन प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे, पर उससे पहले गुरुदेव भगवान का ध्यान कर लें, क्योंकि गुरुदेव की कृपा के बिना वाणी में शक्ति नहीं आती। गुरु गोविंद और ग्रंथ, हमारे पूज्य शंकराचार्य जी पूरी पीठाधीश्वर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद और ग्रंथ, इन तीन का आश्रय लेकर के रखो, जीवन में कभी भी
आप किसी व्यामोह में नहीं आ सकते, कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकते, गुरु ग्रंथ और गोविंद। इसलिए गुरु गोविंद में भी कोई भेद नहीं होता। अतः शास्त्र कृपा तभी होगी जब सदगुरु कृपा हो गए। इसलिए हमारे सूत जी महाराज व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी की वंदना दो श्लोकों में करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे तन्मयतया तरवो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्म दीपम तीर्षताम् संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम् तं व्यास सूनु मुद्वयामि गुरुं मुनीनां तं व्यास सूनु दो श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही प्रव्रजंत सन्यासी बन गए, प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, जिनका उपनयन संस्कार भी संपन्न नहीं हो पाया था, ऐसे भगवत कृपा पात्र परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल को चल दिए। ब्याजी महाराज पुत्र पुत्र पुकारते हुए जिनके पीछे पीछे भागे, जंगल से भी वृक्षों में प्रतिध्वनि निकलने लगी, पुत्र पुत्र पुत्र, पर सुखदेव जी ने मुड़ के नहीं देखा। ऐसे व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, जिन्होंने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत रूपी अध्यात्म का ऐसा दिव्य दीपक प्रज्वलित कर दिया कि संसार के समस्त प्राणियों पर करुणा करते हुए उनका अज्ञान रूपी अंधकार मिटा दिया और दीपक के इस ज्ञान दीप के प्रकाश में जीवन का मार्ग प्रशस्त करा दिया। ऐसे जगत गुरु व्यास सुनु सुखदेव जी के पाद पद्मों में हमारा बारंबार प्रणिपात है। बोलो सुखदेव भगवान की जय।